हाय एवरीवन, मैं हूँ रिया एंड वेलकम टू माय चैनल रियाज स्पिरिचुअल रेमेडीज। आई होप आप सभी की लाइफ में इन टीचिंग्स को यूज करके बहुत सारे चेंजेस आ रहे होंगे, और जिनकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं स्टे ट्यून्ड विद। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट सून यू विल स्टार्ट सीइंग द मिरेकल्स एंड चेंजेस इन योर लाइफ। आज मैं बात करने वाली हूँ टेस्टिमोनी की, जो नारन सर की फॉलोअर हैं और उन्होंने मेरे भी कुछ वीडियोस देखे थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था। उनकी किसी फ्रेंड की प्रॉब्लम थी ये कि उनका पुलिस केस हो गया था, और वो ऑफिसर उस केस में कुछ था नहीं, तो भी पुलिस केस बंद करने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। सो हाउ इट हैपेंड, आगे हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोज में जितनी भी टीचिंग्स हैं वो मेरे गुरु मिस्टर नारायण एस बाला कुमार की हैं। लास्ट 5 ईयर्स में मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे मिराकल्स हुए हैं जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। सो स्टे ट्यून विद मी, बहुत सारे वीडियोज आने वाले टाइम में भी मैं बहुत सारे लाने वाली हूँ। बात करते हैं इस टेस्टिमोनी की। 7-8 डेज पहले मुझे शिल्पा हैं दिल्ली से, उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बताया कि उनके कोई जानने वाले हैं, उनके ऊपर पुलिस केस हो गया, उनकी कोई मेड है भाग गई थी शायद, इसलिए वजह से उन लोगों के ऊपर पुलिस केस हो गया था। वो मेड तो वापस आ गई थी, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर केस क्लोज करने के लिए रेडी नहीं था। तो मैंने शिल्पा को बोला कि उनको बोलो स्विचेस नेट, वॉलनेट, एग्रीमनी, विलो एंड पाइन, ये 5 बैच फ्लावर रेमेडीज का कॉम्बिनेशन लिखने के लिए मैंने उनको बोला। स्विचेस नेट इसलिए क्योंकि डिवाइन इंटरफेरेंस की जरूरत थी यहाँ पे, ऑफिसर अपने आप को केस क्लोज नहीं कर रहा था। सेकंड चीज है वॉलनेट, टू ब्रेक द सिचुएशन, जो सिचुएशन थी उसको ब्रेक करने के लिए, उसको मूवमेंट आगे देने के लिए। थर्ड है एग्रीमनी, यानी पीसफुली वो लोग उस केस से बाहर आ चुके हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। थर्ड इज विलो, जो भी रिसेंटमेंट्स वो पास कर रहे थे उस ऑफिसर को, वो उनको ब्लॉक कर रहा था उनके केस को बंद करने के लिए, लाइक क्योंकि वो ऑफिसर उनके केस को बंद नहीं कर रहा था, डेफिनेटली वो लोग उसको कुछ ना कुछ गालियां दे रहे होंगे या कुछ निगेटिव वर्ड्स पास कर रहे होंगे उस ऑफिसर के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए। एंड पाइन, व्हेन यू आर डीलिंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इन 5 कॉम्बिनेशंस को उनको बोला डेली लिखने के लिए 21 टाइम्स। देन सेकेंड चीज मैंने उनको बोली फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करने के लिए उस ऑफिसर के लिए जो उनको ट्रबल क्रिएट कर रहा था। लाइक अगर मान लीजिए मुझे उस ऑफिसर के लिए फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करनी, तो कैसे करते हैं, आई रिया फॉरगिव यू, नेम ऑफ द ऑफिसर, यू प्लीज फॉरगिव मी एंड रिलीज मी, लव थैंक्स डिवाइन लाइफ चेंज। बिकॉज हम सब कहीं ना कहीं इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और एक मिनट के लिए अगर कोई इंसान हमारी जिंदगी में आ रहा है तो वो डिवाइन प्लान के हिसाब से आ रहा है। कहीं ना कहीं हम उससे अपने पास कर्माज में कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड होते हैं उस इंसान से, इसलिए वो इंसान हमारी लाइफ में आता है। तो फॉरगिवनेस करने से आप उससे डिटैच हो जाते हैं उस इंसान से। तो वो चीज़ उस ऑफिसर की जो ब्लॉकेजेस थे, जो ब्लॉक कर रहा था, उस फॉरगिवनेस एक्सरसाइज ने डिटैच कर दिया। इसके साथ मैंने उन्हें EFT करने के लिए बोला फॉरगिवनेस करते हुए, लाइक आई रिया फॉरगिव यू, नेम ऑफ द ऑफिसर, यू प्लीज फॉरगिव मी एंड रिलीज मी, लव थैंक्स डिवाइन लाइफ चेंज। आई रिया फॉरगिव यू, यू प्लीज फॉरगिव मी एंड रिलीज मी, लव थैंक्स डिवाइन लाइफ चेंज। इस तरह से ये टैपिंग पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिस पर अगर आप टैप करते हैं तो इमोशनल जो ब्लॉकेजेस पॉइंट्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स फास्टली सॉल्व हो जाती है। तो उन लोगों ने ये EFT के साथ फॉरगिवनेस एक्सरसाइज डेली 200 टाइम्स किया, और डेली बैच पावर कॉम्बिनेशंस लिखा। और 2-3 दिन पहले शिल्पा ने मुझे संडे को कॉल करके शिल्पा ने बताया कि उनका केस जो है क्लोज हो गया है, उस ऑफिसर ने ऑटोमेटिकली अपने आप ही केस क्लोज कर दिया। उसने खुद ही बोला कि इस केस में कुछ नहीं है, आई एम क्लोजिंग द केस। सो दिस इज हाउ इट हैज हैपेंड। थैंक यू नारन सर फॉर द टीचिंग्स यू हैव गिवन। सो इस तरह से ये टेस्टिमोनी है जो मिरेकल क्रिएट हुआ। जो ऑफिसर मना कर रहा था पहले, उसने सेल्फ बोला कि मैं केस क्लोज करने के लिए रेडी हूँ। सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, अगर कभी कोई पुलिस केस में कोई ट्रबल हो तो यू कैन ट्राई इट। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर वीडियोस, और मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। आई शेयर लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स, सो आपके डेली बेसिस पे बहुत काम आ सकते हैं। एंड शिल्पा, थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू यू फॉर शोइंग द ट्रस्ट टू मी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय फॉलोअर्स गिविंग मी सो मच लव। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।